लाइनअप का हमारे पास बना हुआ था ना, तो इसकी जो ड्रॉप डाउन है ना, इसकी ड्रॉप डाउन हमारे पास शॉर्ट यहाँ पे आ रही थी, ठीक है। इस चीज़ को मैंने सही करने के लिए कुछ भी नहीं किया है, ठीक है। इसकी जो ड्रॉप डाउन हमारे पास मौजूद थी जेंडर की, एक तो मैंने इसमें से फॉर हटाया है, डायरेक्टली मॉडल की जगह पे मैंने डायरेक्टली इसको इस तरह जेंडर नाम लिख दिया है, ठीक है, जो इसका बाय डिफॉल्ट हमारे पास डेटाबेस में कॉलम का नाम है वो करा है। और इसकी जो हमारे पास क्लास थी ना, तो क्लास अगर आप देखो तो न्यू करके HTML एट्रीब्यूट करके आ रहा था, सही है ना, ये HTML एट्रीब्यूट्स करके आ रहा था, तो मैंने इसको हटा कर डायरेक्टली क्या दिया हुआ है, इसको यहाँ पे न्यू कर्ली ब्रैकेट के अंदर क्लास आईडी ये सारी चीजें दी हुई है, ठीक है। और क्लास के ऊपर मैंने क्या लगाया, फॉर्म सिलेक्ट लगाया, ठीक है। तो जब मैं ये अप्लाई करूंगी तो ऑटोमेटिकली जो है वो क्या हो जाएगा, ये फुल लेंथ का हो जाएगा, सही है। इसमें मुझे किसी चीज की चेंजेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, ये मेरा कंप्लीट है। साइन अप हो सकते हैं हम, लॉग इन हो सकते हैं। लॉग इन के लिए हमारे पास यहाँ पे था, ठीक है, हम यहाँ से देख लेते हैं हमारे पास, और हमारे पास जो भी पासवर्ड है, लॉग इन हो रहे हैं बेटा, हमारे पास लॉग इन पे हम आ रहे हैं, ठीक है, और हमारे पास यहाँ अपॉइंटमेंट भी आ रहा है, लेकिन लॉग इन के बाद हमारे पास ये वाला पोर्शन हमारा चेंज नहीं हो रहा, ठीक है ना। तो हमें सबसे पहले इसको चेंज करना है, कन्वर्ट किस में करना है, हमें इसको लॉग आउट में कन्वर्ट करना है, ठीक है। ये लॉग इन का काम हुआ है, एरर होगा तो ये आएगा, इस तरीके से आएगा, ठीक है। तो हमें यहाँ पे काम करना है, हमें यहाँ पे सेशन क्रिएट करना है, ठीक है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले अपना प्रोजेक्ट स्टॉप करना है। देखो डेटा तो उठकर इसके अंदर आ रहा है मेरे पास, ठीक है, मुझे अब यहाँ पे सेशन बनाने हैं, तो मैं यहाँ सेशन बनाऊंगी, सेशन, ठीक है। आपको जो चीजें उठानी है वो आपने यहाँ पे लिखना है, हमने दोनों चीजें उठा रही हूँ मैं, यूजर आईडी भी और यूजर का नेम भी उठा रही हूँ मैं, ठीक है। यूजर अंडरस्कोर आईडी, ठीक है, इज इक्वल्स टू डेटा डॉट फर्स्ट डॉट आईडी, ठीक है, ये यूजर आईडी उठ गई इसकी। और इसी तरीके से सेशन यूजर अंडरस्कोर नेम इज इक्वल्स टू डेटा डॉट फर्स्ट डॉट यूजर नेम, ये दो चीजें मैंने इसकी पिक करी है, सही है। अच्छा यहां हम देखेंगे हमने कोई लॉगआउट का नहीं बनाया हुआ, ठीक है ना, मेथड हमने कोई लॉगआउट का भी नहीं बनाया हुआ। मैं काम ये कर रही हूं, इधर ही यहीं पे बना देती हूँ, ठीक है, बीच में भी आप बना सकते हैं लॉगआउट। हाँ मैंने ये सेशन क्रिएट करा है, सही है। क्या मतलब हुआ इस बात का कि ये मैंने सेशन के अंदर डाल दिया। सेशन बेसिकली आपका एक टेम्पररी स्टोरेज है, जहाँ पे आप टेम्पररी तौर पे अपने वेरिएबल्स की वैल्यू को रख देते हैं, और ये उस वक्त तक रहती है जब तक कि आप इसको सेशन को एम्प्टी नहीं कर दो, डिस्ट्रॉय नहीं कर दो, या ऑटोमेटिकली आप अपने ब्राउजर को कट कर दो, ठीक है, या 20 मिनट्स के बाद ये खुद ही एक्सपायर कर जाता है, सही है। अगर मैं लॉगआउट पे काम कर रही हूँ तो जाहिर सी बात है लॉगआउट के ऊपर मेरे पास यही जो मेरे सेशंस हैं, सही है, वो मेरे पास क्या होने चाहिए, एम्प्टी हो जाने चाहिए। तो मैं इनको कर दूंगी नल, क्या कर दूंगी, नल, ठीक है। और इसका कोई रिटर्न व्यू नहीं होगा, सही है। लॉगआउट होते ही आप कहाँ जाओगे, अपने इंडेक्स के पेज पे जाओगे, ठीक है। तो हमारे पास इसका रिटर्न व्यू नहीं आएगा, बल्कि हमारे पास रीडायरेक्ट टू एक्शन क्या होगा, हमारे पास इंडेक्स होगा, कि आपका जो होम पेज है वो खुल जाए। ये बात समझ में आई। अगर सेशन की कोई भी वैल्यू सेट हुई भी है तो जो हमारा टेम्पलेट है, ठीक है, लेआउट वाला, इसके अंदर हमने एक तो ये ड्रॉप डाउन कमेंट करी थी, ठीक है, इसके नीचे मेरे पास ये लॉगिन वाला पोर्शन बना, इस लॉगिन के ऊपर डिसाइड होगा कि यहाँ पे लॉगिन आना चाहिए कि यहाँ पे लॉगआउट का काम आना चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या काम कर रही हूँ, यहाँ पे कंडीशन लगा रही हूँ इफ की, ठीक है, एट द रेट इफ, और इसी तरीके से मैंने यहाँ पे बनाया एल्स, ठीक है। एल्स में मैंने लॉगिन का काम रख दिया, सेम चीज पे पेस्ट कर रही हूँ, लेकिन अब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, लॉग आउट लिखूंगी, और यहाँ पे भी मेरे पास क्या हो जाएगा, लॉग आउट हो जाएगा।
लॉग आउट का ऑप्शन कब आना चाहिए? जो मेरा यहाँ पे सेशन बना हुआ है कोई एक पिक कर लो, सही, जरूरी नहीं है दोनों से मैच कराओ। सेशन आईडी को मैं ले लिया, मैंने कहा अगर मेरे पास सेशन आईडी ठीक है नॉट इक्वल्स टू नल है, यानी एम्प्टी नहीं है, इसमें कोई ना कोई वैल्यू गिवन है, तो आपके पास क्या आना चाहिए? लॉग आउट का ऑप्शन आना चाहिए। अदरवाइज आपके पास क्या आना चाहिए? लॉग इन का आना चाहिए। ठीक है, सेव करा मैंने, कोई ना कोई वैल्यू यूजर आईडी आएगी ना। हाँ, मतलब कोई भी यूजर लॉग इन हो, इससे हमें कोई मसला नहीं है, बस वो लॉग इन होना चाहिए। ठीक है, स्पेसिफिक यूजर नहीं। हाँ, स्पेसिफिक यूजर होता तो मैं मैच करके चेक करती कि ये जो यूजर है, कि लेट्स सपोज जैसे हमें ये होता है कि यूजर रोल चेक करना है कि हमारे पास एडमिन लॉग इन हुआ है कि यूजर लॉग इन हुआ है, तो यहाँ पे फिर हम वैल्यू से चेक करते हैं, फिर उसकी नेविगेशन ऊपर से आप चेंज कर सकते हो। सही है ना, होम कंट्रोलर मैं अब चला के आपको ये लॉग इन का काम दिखा देती हूँ। सही है, अब जैसे मैं अपॉइंटमेंट पे भी ये लगा सकती हूँ कि जब तक मैं लॉगिन ना हो ना तब तक ये अपॉइंटमेंट क्या आप क्लिक करोगे ना तो आपको लॉगिन का पेज ही खोल के देगा। सही है कि पहले लॉगिन हो। सही है, अब मैं लॉगिन हो रही हूँ तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ रहा है? लॉग आउट का ऑप्शन आ रहा है। सही है, अब मैं इस पे ये लगाना चाहती हूँ कि अपॉइंटमेंट मेरे पास ये है कि अपॉइंटमेंट का जो भी मेरा यहाँ पे पेज है ठीक है, इसके नीचे मैं यहाँ लिखूंगी कि आपने अगर पेशेंट का रिकॉर्ड, नया पेशेंट आपने ऐड कराना है तो आप वो ऐड करा सकते हो, लेकिन अपॉइंटमेंट का पेज उस वक्त तक नहीं खुलेगा जब तक कि आप लॉगिन नहीं होंगे। बेशक आपको यहाँ डिस्प्ले कर रहा हो अपॉइंटमेंट, लेकिन जब आप क्लिक करोगे तो आपको लॉगिन के पेज पर रीडायरेक्ट कर दे। सही है, इसके लिए हमें यहाँ पे काम क्या करना है, इधर अगेन मैं स्टॉप कर रही हूँ, अपना जो मेरा मेथड है कौन सा मेथड है? अपॉइंटमेंट का मेथड होगा यहाँ पे, ये रहा। ठीक है, इधर इफ की कंडीशन लग जाएगी। इफ और यही सेशन ही आपने चेक करना है। सही है, यहां मैंने ये चेक करा कि अगर मेरे पास जो सेशन आईडी है वो इक्वल्स टू क्या है? नल है, यानी एम्प्टी है, तो आप कहां जाओगे? इसके पेज पे नहीं जाओगे। सही है, बल्कि आप कहां जाओगे? रीडायरेक्ट टू एक्शन, लॉगिन पे चले जाओ। सही है ना, लेट्स सी, अगर लॉगिन हुए हुए होगे तो आप कहां जाओगे? अपॉइंटमेंट के पेज पे, और लॉगिन नहीं हुए हुए हो तो आप कहां जाओगे? लॉगिन पे जाओगे। देखो जब मैं इस पे क्लिक करूंगी ना आपको ये खुल देगा कि आप लॉगिन हो जाओ। सही है, अब देखो अब मैं लॉगिन हूं ना। सही है, लॉग इन हूं मैं अभी। ठीक है, अब मैं होम पे भी आ रही हूँ तो मैं अभी लॉग इन ही हूँ। अब मैं अपॉइंटमेंट पे आना चाहूंगी, आ सकती हूँ। ठीक है, जब तक मैं लॉग आउट नहीं हो जाती तब तक ही मुझे वापस रीडायरेक्ट नहीं करना। यानी अभी जैसे सबको एक्सेस हम कर सकते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि अब ये सब पेजेस पे है। हाँ, सेशन सब पेजेस पे है। सही है, समझ में आई बात? यानी मैं अगर यहाँ देखो एक दफा लॉग इन हो गई ना मैं यहाँ पे, तो मैं अगर होम पे भी आ रही हूँ ना तो उसके पास मौजूद है कि सेशन से आप लॉग इन है, आईडी उसको इधर भी एक्सेस हो रहा है। सही है, जब मैं लॉग आउट होंगी सही है तो वो सेशन एम्प्टी हो जाएगा, फिर मैं अपॉइंटमेंट पे नहीं आऊंगी तो वो मुझे लॉग इन का पेज ही खोल के देगा। ठीक है, अभी आप कॉन्टेक्ट के पेज पे जाओ, डॉक्टर्स के पेज पे जाओ, ठीक है, किसी पे भी चले जाओ। ठीक है, टेक एन अपॉइंटमेंट यहाँ पे भी आ रहे हैं, ठीक है, ये भी जा रहा है। सही है, सब कुछ चल रहा है, लेकिन जब मैं लॉग आउट हो रही हूँ और मैं यहाँ आ रही हूँ डॉक्टर के इस पे और मैं अब जा रही हूँ यहाँ पे, ठीक है, तब भी वो मुझे रीडायरेक्ट कर रहा है। सही है,
बात समझ में आई? इतना कर लें फिर मैं आगे बाद में बताऊं। अब हम ये कहते हैं कि लॉग इन होने के बाद हम अपॉइंटमेंट पे नहीं जा रहे, सही है, हम कहां मूव करेंगे? पेशेंट पे मूव करेंगे, ठीक है। हाँ, पेशेंट अभी हमारे पास यहाँ पे कहीं पे मौजूद नहीं है, ठीक है, तो पेशेंट का भी हमें बनाना है, सही है। तो पेशेंट का बनाने के लिए हमें एक मेथड में पहले ये कॉपी कर लेती हूँ, सही है। पेशेंट भी हमारे पास इंसर्ट अपडेट होगा, तो इसी तरीके से मैंने ये कॉपी करा और इसी तरीके से मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट करा, और अब ये मेरे पास क्या है, पेशेंट है, और ये भी वैल्यू जो है वो रिसीव करके लेके आएगा, ठीक है। अब ये यूजर नहीं होगा मेरा, क्या कहलाएगा, पेशेंट होगा, ठीक है, और यहाँ पे भी मेरे पास क्या होगा, पेशेंट होगा, ठीक है। और पेशेंट ऐड होने के बाद जो है वो हमें कहाँ जाके मूव करना है, हमें कहीं पे रिडायरेक्ट वायरेक्ट नहीं करना, रिटर्न टू ये अपने व्यू पे ही रहेगा, सही है। मैसेज आ जाएगा कि पेशेंट ऐड हो चुका है, या फिर आप या तो इसको रिडायरेक्ट टू एक्शन अपॉइंटमेंट की तरफ लेके जा सकते हो, कि जैसे ही ऐड हो जाए तो आप क्या कर लो, इसको रिडायरेक्ट टू हम कहाँ ले जाएंगे, अपॉइंटमेंट पे ले जाते हैं, चलो सही है, आप अपॉइंटमेंट पे जाएंगे। ये सारी चीजें तो मैंने यहाँ पे कर दी, लेकिन अब पेशेंट का सारी बात है, व्यू तो हमारे पास होना चाहिए, व्यू हमारे पास नहीं है, तो मैं यहाँ राइट क्लिक करके इसका व्यू ऐड कराऊंगी। व्यू ऐड कराते वक्त मैं इसको एम्प्टी नहीं करूंगी, मैं इसको क्रिएट करूंगी, ठीक है, ताकि इसके फॉर्म बने बनाए आए मेरे पास, सही है। मॉडल क्लास हमारे पास क्या होगी इसकी, पेशेंट का बना रहे ना, तो हमारे पास ये रहा पेशेंट, ये रहेगा। लेआउट हमें यूज नहीं करना, तो हमारे पास एम्प्टी हो जाएगा, लेकिन मैं यहाँ लेआउट यूज करूंगी ताकि मेरे पास ऊपर वाले हेडर और फुटर इसी वेबसाइट के आए, सही है। तो इसी वेबसाइट के लाने के लिए शेयर ये वाला लेआउट, ठीक है, कि मैं लॉग इन हूं या नहीं हूं क्या है, तो वो इस वाले पेज के ऊपर मूव करके आप ओके करोगे, ऐड करोगे। ये पेज आ गया है, डिजाइन आ गया है, ठीक है, इस डिजाइन को हम बाद में अभी देखते हैं। होम कंट्रोलर पे आ रही हूँ, पेशेंट वाले पे भी हमें लॉग इन होने के बाद ही यहाँ आना है, लॉग इन होने के बाद ही यहाँ पे आना है। तो जो मैंने यहाँ अपॉइंटमेंट के अंदर ये लिखाया था ना, ये वाला काम, सही है, सेम यही चीज कॉपी होगी, और कहाँ पे आप अप्लाई करोगे, इधर, ताकि कोई अगर डायरेक्ट ऊपर से यूआरएल भी लिखे ना तो भी आप यहाँ नहीं होंगे, सही है। और इसको मैंने यहाँ पे सेव कर दिया इस तरह, तो सिंपल पेशेंट के ऊपर ये लिखा हुआ है, पेशेंट का ये यहाँ पे बना हुआ है, और ये पेशेंट का यहाँ पे मेरे पास फॉर्म आया है। ये फॉर्म हम बिल्कुल वैसे ही चेंज करेंगे जैसे हमने अपने लॉगिन के साइन अप के जो है वो चेंज करें, मॉडिफाई करें, ठीक है, उसी तरीके से हमें चेंज करना है। इसकी एडिटिंग हम बाद में करते हैं, ठीक है, पहले मैं आपको ये इसको रन करके दिखा देती हूँ होम कंट्रोलर, कि हमारे पास पेशेंट का जो है वो किस तरीके से रीडायरेक्ट करेगा। अभी तो पुराना वाला ही लेआउट लेके आ रहा है, ठीक है। अच्छा, माइट बी एरर आ जाए, सही है, क्योंकि हमने इस पे से अभी कुछ उठाया नहीं है कि पेशेंट के टेबल के अंदर जो है ना डाटा जा रहा है। 1, 2, 3, 4, ठीक है, यहाँ पे आएगा, ड्रॉप डाउन पे उसको वैल्यू नहीं मिल रही है, ठीक है। तो फिलहाल मैं इस ड्रॉप डाउन को यहाँ पे क्या कर रही हूँ, कमेंट कर रही हूँ कि डिजाइन में ये मुझे ड्रॉप डाउन दिखानी ही नहीं है, ठीक है, एक मिनट। कमेंट नहीं हुआ,
में कमेंट कर दिया है मैंने, अब सेव नहीं करा था इस वजह से वो बार बार दे रहा था, तो मैंने यहाँ पे अब देखो तो ये आपके पास है। इधर दो बटन आने चाहिए, दो बटन का मतलब है स्किप एड न्यू पेशेंट तो डायरेक्ट अपॉइंटमेंट पे चला जाए, ये एक उसकी हेडिंग है और एक उसकी हेडिंग है, यानी एक पेज की हेडिंग है और एक वैसे ही हेडिंग है, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए दो दफा आ रहा है, इसके टेम्पलेट में यहाँ पे आप ऊपर देखोगे ना तो एक तो यहाँ पे ये वाली हेडिंग बनी हुई है और एक ये वाली आ रही है, ठीक है। तो ये अभी हम सही करेंगे तो ये खुद ही हट जाएगी, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास जो यूजर का नाम या जो भी पेशेंट का मेरे पास है, किस पेशेंट का है, यहाँ पे मुझे देने की जरूरत नहीं है, फॉर्म में लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं जब हिडन करके रखूंगी, जब मैं ऐड करूंगी तो वो उसी पर्टिकुलर आईडी जो है वो यहीं से उठाएगा, उसी यूजर आईडी की आईडी उठाएगा जिससे आप लॉग इन होंगे, सही है। यहाँ पे ये फॉर्म वगैरह हम अभी सेट करेंगे, बिल्कुल वैसे ही सेट करेंगे जैसे हमने अपना लॉग इन का नहीं बनाया हुआ था, उस तरह का हम यहाँ पे फॉर्म इसको बना देंगे। लेकिन नीचे हमारे पास दो बटन आने चाहिए, एक तो स्किप, ठीक है, और डायरेक्टली, यानी मुझे नया पेशेंट नहीं क्रिएट करना, मुझे डायरेक्टली अपॉइंटमेंट लेनी, यानी क्या पता आपके पास पहले से वो पेशेंट ऑलरेडी एड हुआ हो, सही है, सही है। तो हम यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं और स्किप कर सकते हैं, या डायरेक्टली आप यहाँ पे कर सकते हो कि डायरेक्टली आप स्किप कर दो, या स्किप करोगे तो भी आप अपॉइंटमेंट पे चले जाओगे और डायरेक्टली यहाँ पे क्लिक करोगे तो भी अपॉइंटमेंट पे चले जाओगे, बात समझ में। यानी जब हम लॉग इन होंगे ना तो हमारे पास डायरेक्टली क्या आ रहा होगा, पेशेंट आ रहा होगा, ठीक है ना, उससे पहले नहीं आ सकता पेशेंट ना, यानी हमारे पास कहीं भी मौजूद नहीं। यहाँ इधर भी हम एक एंकर का टैग लगा देंगे कि अगर गलती से किसी ने इस पे क्लिक कर दिया लॉग इन होने के बाद और वो पेशेंट ऐड करना चाह रहे हैं तो उसको तो नहीं पता ऊपर यूआरएल क्या है, ठीक है, नॉर्मल बंदे को तो नहीं पता ना, तो वो यहाँ से भी स्किप करेगा तब भी वो अपॉइंटमेंट पर डायरेक्टली जा सकता है, ठीक है। तो हमें यहाँ एक काम ये करना है, ये जो हमारा बटन बना हुआ है, ये बना हुआ, इसे मैंने कॉपी करा, इसी के नीचे यहाँ पे मैंने पेस्ट करा। अब मेरे पास ये बटन नहीं है, ये मेरे पास क्या है, एंकर का टैग है, ठीक है, और इसके ऊपर लिखा हुआ है स्किप, और इसकी जो वैल्यू है अब कोई वैल्यू नहीं है, टाइप जो है वो इसकी क्या हो गई है, टाइप भी इसके ऊपर कुछ नहीं है, एच रेफरेंस है, क्योंकि एंकर है ना, एच रेफरेंस में स्किप होने के बाद मैंने कहा स्लैश होम स्लैश कहाँ जाना चाहिए, अपॉइंटमेंट पे जाना चाहिए, ठीक है। सेव करा, रिफ्रेश करा, मेरे पास एक और आ चुका है स्किप किया, सही है। अब इसी के अगर बराबर में लगाना है तो ये वाली लाइन कॉपी करो, इसके साथ ये इसी डिफ के अंदर रख दो और ये वाली डिफ यहां से क्या कर दो, हटा, ताकि दोनों क्या हो जाएं, आपके पास बराबर बराबर आ जाएंगे, ठीक है। स्किप करूंगी तो भी मैं डायरेक्ट अपॉइंटमेंट पे आ जाऊंगी, और अगर आपने ऐड कराना है, क्रिएट न्यू पेशेंट करना है, तो आप यहाँ पे ये काम करोगे, बात समझ में आई। फर्स्ट नेम, उसका लास्ट नेम, उसका CNIC, उसका डेट ऑफ बर्थ, ब्लड, अच्छा ब्लड ग्रुप पे हम यहाँ पे वही ड्रॉप डाउन लगा लेंगे जैसे हमने वहां लगाई हुई है, सही है। और डिजीज डिस्क्रिप्शन में हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, अपना टेक्स्ट एरिया ले लेंगे, सही है। अच्छा ब्लड ग्रुप में ये बाय डिफॉल्ट देगा या हमें ऐड कराने पड़ेगा? नहीं, हम जैसी बात है पेशेंट का हम ले रहे हैं ना, तो पेशेंट का तो आपको ड्रॉप डाउन देगा, वैसे तो देगा ना बाय डिफॉल्ट, नहीं इतनी पहले इतना कर लो, फिर आगे डिफाइन करूंगी। ये जो है वो मेरे पास ड्रॉप डाउन लिस्ट नहीं आएगी, ड्रॉप डाउन लिस्ट की बजाय मेरे पास यहाँ पे क्या रहेगा, इधर देखो ड्रॉप डाउन लिस्ट हटा के यहाँ पे आप लगाओगे टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स लगाओगे, ठीक है। यूजर आईडी उसका नाम होगा, उसकी जो वैल्यू होगी ना वो वैल्यू क्या होगी आपके पास, सेशन, ठीक है, एक मिनट, यूजर आईडी, ठीक है, यहां हम क्या रखेंगे, सेशन यूजर आईडी, सेशन यूजर आईडी रहेगी। यहां पे आप इसकी टाइप क्या कर दोगे, हिडन, यानी ये आपके पास डिस्प्ले में नजर तो नहीं आएगा लेकिन ये वैल्यू बैक पे खुद पिक कर लेगा,
बात समझ में आई है? वैल्यू ये पिक कर लेगा लेकिन ये यहाँ पे आपको फर्म पे नजर नहीं आएगा। इधर मैं आपको रिफ्रेश करके भी दिखाऊं तो आपको यहाँ पे ये देखो इसका लेबल नजर आ रहा है ना, लेबल में मैं डालूंगी कि लेबल भी नजर आने की जरूरत नहीं है। ये रहा इसका लेबल, लेबल इसका हटा दो, सही है। लेबल भी हिडन लगा सकते हो, ऐसा कोई इशू नहीं है, लेकिन मैंने इसको हटा दिया है कि लेबल भी नहीं लगाना है। सिर्फ मेरे पास टेक्स्ट बॉक्स और ये है, इसकी कोई वैलिडेशन भी लगाने की जरूरत नहीं है इस पे, सही है। सिर्फ मेरे पास आईडी है जो कि ये सेशन से पिक कर रहा है। अगर मैं इस पे हिडन नहीं लगाती, ये चीज देख लो, पहले बिना हिडन लगाए आप चेक कर लोगे कि भाई वैल्यू ये पिक कर भी रहा है या नहीं कर रहा, तो ये पिक कर रहा है वन, सही है। इसलिए अब मैंने इसको यहाँ पे क्या कर दिया, हिडन लगा दिया है ताकि ये वाला टेक्स्ट बॉक्स नजर ना आए, ठीक है। लॉगिन वाले पेज पे जो हमारा ये यूजिंग ये ऊपर लिखा हुआ था ना फॉर्म का बिगिन का, इस चीज को मैंने यहाँ से कॉपी करा और पेशेंट के इधर आने के बाद यहाँ पे जो इसका बिगिन फॉर्म हुआ है ना इधर मैंने पेस्ट करा। मुझे अब लॉगिन पे नहीं जाना, पेशेंट पे जाना है, तो मैंने यहाँ से सिर्फ क्या चीज चेंज करी है, पेशेंट चेंज किया है, सेव करा। और अब मैं इसका प्रीव्यू चेक करूंगी तो ये प्रीव्यू आप देख सकते हो, इसका ये खुद ब खुद सही हो चुका है, सही है। अब ये पेशेंट तीन दफा आ रहा है तो मैं पहले इसकी जो है ना वो चेंज कर देती हूँ यहाँ पे। एक तो ये मुझे पेशेंट और हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं चाहिए, सही है। यहाँ से मैंने इसको ये मिटा दिया, हेडिंग टू ये है तो मैं इधर लिख देती हूँ एड न्यू पेशेंट ऐड करना, ठीक है। नया पेशेंट है तो पुराना कोई पेशेंट नहीं ऐड करना है, सही है। तो मेरे पास ये रहा एड न्यू पेशेंट, ये मेरे पास हेडिंग आ चुकी है। इसके ऊपर मैं जरा क्लास लगा देती हूँ, मार्जिन बॉटम से 30 रखनी है ताकि उसका जो है वो गैप जो है वो मेरे पास क्या हो सके, क्रिएट हो सके, ठीक है। सही है। अच्छा, इसके ऊपर ये जो मेरे पास आ रहे हैं, ठीक है, ये लेबल्स आ रहे हैं, इनके जितने भी हमारे पास लेबल्स आ रहा है, ये रहा फर्स्ट नेम जो भी है, ठीक है। मैं अब यहाँ से इसको लेबल फॉर हटा रही हूँ, लेबल है तो यहाँ पे मैंने क्या करना है, लेबल में आप क्या करते हो इन्वर्टेड कॉमा लगा के खुद देते हो, ठीक है। तो मैं अब यहाँ पे क्या करूंगी, इसे खुद प्रोवाइड करूंगी, फर्स्ट नेम में स्पेस दे दूंगी, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ से मैंने इसका फॉर हटाया और यहाँ पे मैं इन्वर्टेड कॉमा लगा देती हूँ, स्टार्ट एंड एंड, और ये अंडरस्कोर हटा दूंगी, ठीक है। लास्ट नेम हो गया, CNIC है, फॉर हटा दिया। अब ये सिर्फ लेबल है, फॉर हटा दिया, डेट ऑफ बर्थ है, तो यहाँ पे ये कॉलम के नाम है, इनको चेक चेंज करना है नीचे एडिटर में से, चेंज नहीं करना, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ, सही है। डेट ऑफ बर्थ में एडिटर यहाँ क्लास आ रहा है, इधर जाके कॉमा लगा के एट द रेट टाइप इक्वल्स टू और इन्वर्टेड कॉमा में डेट, ताकि ये चीज जो है वो मेरे पास चेंज हो जाए, किस चीज में आ जाए, ये कैलेंडर आ जाए इसका, CNIC आ गया। ब्लड ग्रुप आ रहा है तो ब्लड ग्रुप का आपको मैंने यहाँ साइन अप पे काम करवाया हुआ था, ये रहा ऊपर होगा है, इस पे नहीं कराया था या इसमें नहीं दिया हुआ था ब्लड ग्रुप, अच्छा हाँ ये नहीं है, नहीं है। अच्छा, अब आप क्या काम करोगे, जो ड्रॉप डाउन लिस्ट है ना हमारी, ठीक है, ये वाला मैंने काम कॉपी कर लिया, ये वाला कॉपी कर लिया, ये पूरा डाल लेना ऐसे ही, सही है। कॉपी करा जो हमारे पास जेंडर वाला था, ठीक है। पेशेंट के इधर में आई और इधर मेरे पास जो यहाँ पे गिवन है ना ब्लड ग्रुप, ठीक है, एडिटर फॉर के ऊपर मैं अभी ये लगा रही हूँ, यहाँ पे लगा रही हूँ, अभी एडिटर फॉर हटाऊंगी, ठीक है। यहाँ पे ये मैंने रखा, इस जेंडर की जगह पे मैं ये लिखूंगी ब्लड ग्रुप, सही है, और इसको आप यहाँ से हटा सकते हो, सही है। इसको आप यहाँ पे अगर
फॉर लगाओगे तो ये पूरा ऐसे ही चला जाएगा, इसकी जगह पे फिर ये ऐसे जाएगा, समझ में आई बात? ठीक है, अब यहाँ पे जो हमारे पास वैल्यू होगी वो होगी ए पॉजिटिव, डिस्प्ले में भी वही आएगा, वैल्यू में भी हमारे पास वही आएगा, ठीक है। इसी तरह ए नेगेटिव, ए नेगेटिव यानी इसके ये मल्टीपल्स बनेंगे ना, तो यहाँ पे आप कॉमा मैं यहाँ लगा दे रही हूँ, इस तरीके से आप जो है वो क्या करोगे मल्टीपल बनाओगे। इसी को कॉपी करा, पेस्ट करा, अब ए के बजाय मैं यहाँ पे क्या कर दूंगी, बी कर दिया, इधर भी बी कर दिया, इधर भी बी करा, इधर भी बी करा, अगेन नीचे पेस्ट करा। अब यहाँ पे मेरे पास ए बी नहीं है, सी वी कोई ब्लड ग्रुप नहीं होता, सही है। ठीक है, अब हमारे पास क्या आ जाएगा, ओ ब्लड ग्रुप ने इतनी तालीम हासिल नहीं करी कि बी ए भी हो, सही है। यहाँ पे हमने रखा है ओ, ठीक है, लास्ट वाला है, इसमें यहाँ से कॉमा हटा देंगे, सेव करा इसको, ठीक है। बाकी चीजें हमारे पास ये आ रहा है सिलेक्ट जेंडर, एंटर जेंडर लिखा हुआ रहा है, इसको मैं कर दूंगी एंटर, ब्लड ग्रुप, और इसी तरीके से यहाँ पे हाँ ब्लड ग्रुप सही है, और आईडी भी हमारे पास क्या हो जाएगी ब्लड। खैर हमें इसमें इतना देने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऊपर यहाँ पे इतनी चीजें ये दी हुई नहीं है ना, तो ये आईडी हटा देना, टाइप ठीक है, प्लेस होल्डर ठीक है, इसको मैं आके करती हूँ एक मिनट, ठीक है। यहाँ से मैंने अब ये हटा दिया और ये ड्रॉप डाउन मैंने यहाँ लाके पेस्ट करी और इसके अंदर मैंने ये सारी चीजें रख दी है और सेव करा, और अब मैं इधर रिफ्रेश कर रही हूँ तो मेरे पास यहाँ पे ये इस तरीके से ये आ रहा है, ठीक है। अच्छा, ये डिजीज डिस्क्रिप्शन इसके आगे हमारे पास यहाँ पे जा रही है, सही है। इसको हमें थोड़ा सा सेट करना होगा क्योंकि ये वाला हमारे पास जो ये नाम है, सही है, इसको मैं जरा कर दूं, मार्जिन टॉप 10 सेशन आउट भी होगा ना तो भी आपका ये लॉग आउट हो जाएगा, सही है, ठीक है। इधर देखो ये मैंने अब सेट कर दिया ब्लड ग्रुप और ये, ठीक है, ये अब इसकी हेडिंग है हमें सेट करनी है, तो अगर आपने इसकी हेडिंग सेट करनी है तो इसके ऊपर भी आप यहाँ पे ये लेबल लगा हुआ है ना, इधर भी हमने यहाँ पे क्या करना है इन्वर्टेड कॉमा लगाया और इसको यहाँ से फॉर हटाया, इसी तरीके से नीचे डिस्क्रिप्शन डिजीज डिस्क्रिप्शन है, इधर भी इन्वर्टेड कॉमा लगाया और ये सब लेबल पे काम कर रही हूँ मैं, ठीक है, फॉर हटा दिया, सही है, और इस तरह नहीं चेंज है, चेंज करनी है, ठीक है। ये कॉलम के अंदर जो है ना वो हमने इस तरह दिया हुआ है तो इसलिए यहाँ पे आ रही है, ठीक है, कॉलम से आ रही है, अभी मैं चेंज कर दूंगी, नहीं नहीं स्पेलिंग का ही है, ऐसा कोई इशू नहीं है, ठीक है। वो अगर रॉन्ग जा रही है तो, वो अगर रॉन्ग भी जा रही है तो कोई मसला नहीं है, ठीक है, वो एक शॉर्टकट हैंड टाइप की होती है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने हेडिंग में चेंज कर दिया हमने, ठीक है, ताकि हमारी हेडिंग में सही स्पेलिंग रहे,
ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास नीचे आ जाता है कॉन्टेक्ट नंबर, इधर है हमारे पास, और इधर हमने इन्वर्टेड कॉमा लगाया, और इधर इसको सेव करा, नाउ रिफ्रेश, मेरे पास ये चीज आ रही है, ठीक है। अब मेरा जो रिकॉर्ड है वो इनसाइड होना चाहिए, क्योंकि मैंने पीछे जो है वो ये वाला कोड करा, कोड मैंने किया है, तो मेरा रिकॉर्ड जो है वो इनसाइड होना चाहिए। अगर मेरे पास रिकॉर्ड इनसाइड होता है तो आप साथ में अपना यहाँ पे एडमिन पैनल भी खोल सकते हो, कि भाई एडमिन पैनल के अंदर मुझे जो है वो यहाँ पे ये चीजें नजर भी आनी चाहिए। जैसे कि अभी मैं पेशेंट हम ऐड करें तो यहाँ पेशेंट आना चाहिए। अभी हमारे पास यूजर एक है, सही है, और हमारे पास अपॉइंटमेंट एमडी है, पेशेंट एमडी है। तो पेशेंट अगर हम यहाँ से ऐड कराते हैं, ठीक है, सही है, और यहाँ ड्रॉप डाउन से चाहो तो आप इसका फॉर्म का साइज थोड़ा छोटा कर सकते हो लगा के, ठीक है ना, मतलब डिफ के ऊपर आप इस तरह पोर्शन भी लगाओ तो सही है, कर लेना। बी पॉजिटिव, डिस्क्रिप्शन है, स्लू है, कॉन्टेक्ट नंबर है, ठीक है, और यहाँ से मैंने इसको करा है क्रिएट। जब मैं क्रिएट कर रही हूँ तो अपॉइंटमेंट पे आ रही हूँ मैं, ठीक है, अभी अपॉइंटमेंट में कुछ नहीं है, लेकिन जब मैं यहाँ पेशेंट पे आऊंगी तो मेरे पास पेशेंट आ चुका है, और किस यूजर का है वो मेरे पास यहाँ पे ये नाम आ रहा है, सही है। अब अपॉइंटमेंट का जो आपका पेज है, इस अपॉइंटमेंट के पेज पे यहाँ पे एक छोटी सी हेडिंग आनी चाहिए और अपॉइंटमेंट का फॉर्म आना चाहिए, ताकि हम अपॉइंटमेंट ले सके। एंटर करने के लिए आप क्या करोगे, इधर टॉप पे एक मैंने एक डिफ बनाई, तो ये जो डिफ क्लोज करूंगी ना मैं, वो बिल्कुल यहाँ ले जाके क्लोज कर दूंगी, इसको तो ये हटा दो, ठीक है, वैसे भी नजर भी नहीं आ रहा, ठीक है। इसके ऊपर आप क्लास लगा दो, बल्कि क्लास नहीं लगा रही मैं, यहाँ स्टाइल लिख रही हूँ, स्टाइल में मैंने यहाँ पे लिखा है इसकी जो विड्थ है वो मेरे पास है 70%, और इसकी जो मार्जिन है वो मेरे पास क्या है, ऑटो है, ठीक है। सेव करा, रिफ्रेश करा, ये इस तरीके से आ जाए, ठीक है। और कम करना है, और कम कर ले, यानी आप इसको कर दे 50, सेव, सही है सर। अगर मैं इसका ये पूरा स्टाइल उठा लेती हूँ ना, ये पूरा यहाँ से लेके आता, कॉपी किया मैंने, डिफ तो मैंने ऊपर बना दिए, ठीक है ना, ये पूरी स्टाइल मैंने इसके ऊपर ले जाके यहाँ पे पेस्ट कर दिया। सेव करा, ठीक है, रिफ्रेश करा, मेरे पास ये पूरा आ रहा है। नीचे मेरे पास स्पेस होना चाहिए, ठीक है, तो मेरी जो इस पर्टिकुलर डिव है ना, ठीक है, तो इसके डिव के यहाँ पे आ जाओ, ठीक है, बिल्कुल ये एंड हो गया ना, हमारे पास फुटर हमारे पास आ रहा है, ठीक है, मार्जिन हमारे पास ऑटो है, लेकिन हम मार्जिन इसके बाद यहाँ से दे देती हूँ मैं, कि जो बॉटम वाली है ना, सिर्फ उसके ऊपर आप जो है वो क्या कर दो, 50 पिक्सेल कर दो, सही है, एल लाइन में ही दिया है, तो ये यहाँ से ये इतना नहीं, जैसे इसमें सिर्फ ये एक चीज मसला हो रही है, फर्स्ट ये स्प्लिट हो रहा है, स्प्लिट नहीं हो रहा है, ये जो नीचे आ रहा है ना, ये मैं बता रही हूँ, हाँ ये मैं बता रही हूँ, ये क्यों आ रहा है, क्योंकि देखो यहाँ पे ना इसके ऊपर ये 2 दिया हुआ होगा और ये 10 दिया हुआ होगा ना, तो आप इस चीज को क्या कर दो, 12 करो और इन सब को 12 कर दो, ठीक है, ये भी मेरे पास 12 हो गया, इसको भी मैंने क्या कर दिया यहाँ पे 12 कर दिया। इससे क्या होगा कि ये एक एक अलग अलग रॉ में आ रहे होंगे, तो ये खुद ही सेट हो जाएंगे, सही में तुम्हारी बात, इनकी ये जो शॉर्ट हुए हुए ये भी सेट हो जाएंगे, ठीक है। इधर भी मैंने 12 करा, इसको भी मैंने यहाँ पे 12 कर दिया, 12 12 12 12,
ठीक है, ये भी 12 हो गया मेरे पास, 12 ठीक है। ये तो खैर हमारे पास हिडन है, और इधर हमारे पास ये जो आ रहा है ये तो खैर सही है, बटन का हमें इतना कुछ नहीं करना, ये बटन अपनी सही पोजीशन पे, ये देखो ऐसा ठीक है। अब जैसे ये कॉन्टेक्ट का है, कॉन्टेक्ट के इसमें हमने देखो बैक कलर तो नहीं दिया है हमारा, ये बिल्कुल ऐसे ही सही है ठीक है। अब जब हम अपॉइंटमेंट पे आएंगे ना तो अपॉइंटमेंट का हमारा अलग है ठीक है, पेशेंट वाला हमारे पास सिर्फ ये है, ऐड पेशेंट क्रिएट करना है, स्किप करना सही है। अपॉइंटमेंट का जो काम था ना हमारे पास, जो फॉर्म है हमारे पास वो बना बनाया है। फॉर्म कैसे हमारे पास बना बनाया है, क्योंकि आप यहाँ पे आते हो तो ये देखो इधर याद है आपके पास बना हुआ ठीक है, यहाँ पेशेंट आईडी भी आ रही है सही है। ये जो मेरे पास बना बनाया काम है ये मुझे मिलेगा कहाँ से, इधर मैं आऊंगी अपॉइंटमेंट का ये फोल्डर है व्यूज के अंदर, इधर मुझे ये क्रिएट वाले में से ये मुझे मिल जाएगा, ये पूरा मुझे मिलेगा यहाँ से, ये पूरा मैंने यहाँ से उठाना है इतना कर्ली ब्रैकेट तक जो फॉर्म बिगिन और स्टार्ट का है ना, यहाँ से ऊपर की हेडिंग वेडिंग नहीं उठा रही मैं, सिर्फ क्या उठा रही हूँ ये उठाया, फॉर्म उठाया कॉपी करा, आप अपने होम कंट्रोलर में आएंगे और यहाँ आने के बाद आपने ये अपॉइंटमेंट देखा, गो टू व्यू पे गए इसके, इधर इसके मेन पे नीचे यहाँ लाके मैंने पेस्ट कर दिया सही है। एक चीज और पेस्ट करी ऊपर का ये मॉडल, कॉपी करा यहाँ लाके पेस्ट कर सही है, ये इस तरीके से आ रहा होगा चीजें। अब चेंज क्या करनी है, वही लॉगिन वाले में से आपने जो है वो इसका ये वाला उठाया पूरा कॉपी करा, अपॉइंटमेंट में आए यहां से इसको रिप्लेस करा, जाएंगे कहां पे हम, होम के अपॉइंटमेंट पे ठीक है, सेव करा, रिफ्रेश पे आई यहां पे रिफ्रेश करा, अच्छा यहां पे आपसे ये ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर डेटा मांग रहा है, ये डेटा मुझे कहां मिलेगा, अपॉइंटमेंट के कंट्रोलर पे आएंगे इसके अंदर क्रिएट ढूंढो, ये रहा व्यू बैक में आई हुई चीजें, इन दोनों को आपने यहां से क्या करना है कॉपी करना है और आपका जो होम कंट्रोलर है सही है इधर यहां पे, बल्कि इस वाले में नहीं कहेंगे हम, else वाले में रखेंगे क्योंकि else वाला हमारे पेज तक लेके जा रहा है ना, या सही अपॉइंटमेंट कंट्रोलर के अंदर। अब यहाँ पे अगर आप देखते हो कि ये जो चल रहा है ना क्रिएट, यानी जो क्रिएट वाला काम है वो हमारा इधर का है, तो हमारे पास ये बिल्कुल सही है, क्रिएट का जो है वो हमारा अपॉइंटमेंट का पेज है और ये वाला जो है वो रिकॉर्ड इंसर्ट कराने के लिए, तो इसमें ऐसा कोई चीज चेंज नहीं है। अब ये वाला पेज हमें जरा चलाना है, अगर पेज डायरेक्ट चलाया ना तो इसने मुझे पहले क्या कहा है कि आप पहले लॉग इन हो जाओ ठीक है, लॉग इन हुए अब आएंगे हम अपॉइंटमेंट पे ठीक है, तो अपॉइंटमेंट में ये देखो ये आ रहा होगा अपॉइंटमेंट डेट और ये डॉक्टर आ रहा है और पेशेंट आ रहा है ठीक है। अच्छा इसमें अभी प्रॉब्लम ये है कि देखो यहाँ पे एक तो चीजें सेट नहीं हुई हुई, दूसरी चीज यहाँ पे ये है कि जितने भी पेशेंट्स मेरे पास मौजूद होंगे ना ये सारे पेशेंट्स दे देगा, तो हमें वो पेशेंट्स नहीं लेके आने जो कि इस यूजर के नहीं है ठीक है। अपॉइंटमेंट स्टेटस क्या है, ये चीजें जो है वो हमें इसकी फॉर्म की सेट करनी पड़ेगी, बात समझ में आ रही, कुछ चीजें कम करेंगे ज्यादा करेंगे, यूजर तो सब आपकी यूजर।